फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, तो आपने अपने सर्दियों के प्लांट लाने शुरू कर दिए होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कलांचू जो प्लांट होता है, कलांचू सर्दियों के लिए फ्लावर वाला प्लांट होता है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे उसका ध्यान रखना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, किस तरीके से उसको सोइल होनी चाहिए, कैसे सब कुछ कैसे एडजस्ट करना चाहिए। आज हम उसी प्लांट के बारे में बात करेंगे, कलांचू के। तो दोस्तों, ये रहा हमारा कलांचू का प्लांट, ये देख सकते हैं। इसके काफ़ी सारे कलर मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये रेड कलर में है और इसके फ्लावर जो हैं, कितने छोटे छोटे फ्लावर हैं इसके, बिल्कुल छोटे छोटे, और इसके ये बिल्कुल गुंछे वाले फ्लावर। सर्दियों का मुझे तो ये सबसे बेस्ट प्लांट लगता है, इसलिए भी क्योंकि इसके जो फ्लावर आते हैं वो जल्दी से गिरते नहीं हैं। ये एक हफ्ते से इसके फ्लावर ऐसे के ऐसे ही हैं, कितना प्यारा प्लांट है, जल्दी से गिरते नहीं हैं, काफ़ी टाइम बाद गिरते हैं इसके फ्लावर। ये एक हफ्ते से आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही हैं। तो सर्दियों में तो आप ये प्लांट सब खरीदते ही हैं, और ये हार्डी सा भी प्लांट है बड़ा। अगर आप चाहें तो इसे लीव से, कटिंग से, कैसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने इसकी कुछ कटिंग लगाई हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी लीव से ही मैं इन्हें ग्रो करूँगी। और आप इसे आउटडोर, इंडोर कहीं भी रख सकते हैं, जिस जगह पर इसे 5 से 6 घंटे की धूप मिले आप इसे उस जगह रख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से ये फ्लावर करता रहेगा, क्योंकि ये सनलाइट तो फ्लावर वाले प्लांट को अच्छी लगती ही है, इसलिए आप इन्हें ऐसी जगह रखें जहाँ से इन्हें 5 से 6 घंटे की धूप इन्हें आसानी से मिलती रहे। इसके काफ़ी सारे कलर नर्सरी में मिल जाते हैं, मैंने इसके ये 2 ही कलर ला के रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने और बाकी की ये कटिंग लगा रखी है, इनसे मैं तैयार करूँगी इन्हें। तो दोस्तों, ये तो इसके फ्लावर की बात हो गई, अब बात करते हैं इसकी सोइल की। अगर आप चाहें तो इसकी सोइल में काउडंग और सैंड और सोइल मिक्स कर सकते हैं, और अगर आपके पास बाई चांस कुछ भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे बिल्कुल खाली सोइल में भी, अपनी गार्डन सोइल में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि कटिंग के से भी आसानी से ग्रो हो जाता है, और लीव से भी बड़ी आसानी से ग्रो आप इसे कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाल देंगे तो भी अच्छा ग्रो करेगा। ये मेरी सोइल में आप, ये मैंने इसमें थोड़ा वर्मी कंपोस्ट मिक्स किया हुआ है, क्योंकि जो फ्लावर वाले प्लांट होते हैं इन्हें एनर्जी कुछ ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि फ्लावर को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। और अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे सोइल में लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके फ्लावर का जो कलर होता है, ये कलर आप ब्राइट करने के लिए, ज़्यादा डार्क करने के लिए, आप इसमें सरसों खली भी डाल सकते हैं। सरसों खली से आप सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के आप इसमें थोड़ा थोड़ा महीने में एक बार डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, ये फ्लावर का कलर जो है डार्क कलर हो जाएगा, बहुत प्यारा कलर आएगा उससे, आप वो इसमें महीने में एक बार डाल सकते हैं।
और अब इसके पानी की बात करें तो इसका इसे पानी भी ज़्यादा ज़रूरत डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी ये सोइल चेक कर सकते हैं, तब आपको सोइल लगे कि बिल्कुल ड्राई हो चुकी है तब आप इसमें पानी डालें, क्योंकि इसकी जो आप ये लीव्स देख सकते हैं मोटी मोटी सी होती हैं, तो इनके अंदर खुद ही नमी होती है। तो आप इनमें इसमें तब आपको लगे कि बिल्कुल सोइल ड्राई हो चुके हैं, आप ऐसे देख लीजिए ऐसे करके, और जब आपको लगे कि सोइल बिल्कुल ड्राई हो चुकी है तो पानी डाल दीजिए इसमें। अगर आप चाहें तो अपने घर में डेकोरेट करने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए आप इसे धूप में रख दीजिए, और उसके बाद आप इसे अपना कहीं पर भी डेकोरेट के लिए रख सकते हैं। बहुत प्यारा प्लांट लगेगा। और ये जो प्लांट होते हैं सर्दियों के, इनकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप इन्हें छोटे गमले में भी अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। इतने छोटे गमले में भी अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं ये, क्योंकि इनकी जड़ें ज़्यादा नहीं फैलती, इसलिए आप इन्हें छोटे गमले में भी अच्छे से लगा सकते हैं। जिसके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो छोटे गमले में अगर आप लगाना चाहो तो आसानी से अपना आपका शौक भी पूरा हो जाएगा, और ये आपको प्लांट भी मिल जाएंगे फ्लावर वाले अच्छे अच्छे, तो आप इन्हें आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 9 से 10 इंच के गमले में आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये मेरे पॉट भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं लेकिन कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मैं अभी ऐसे ऐसे ही और गमले परचेस करूँगी, क्योंकि मुझे ये गमले बहुत पसंद आए हैं, इसलिए ये छोटे छोटे जो फ्लावर वाले प्लांट होते हैं सर्दियों के, ये पॉट उनके प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं। और हमारे कई सारे प्लांट ये लीव्स से भी तैयार हो जाएंगे। ये मैंने इतनी सारी लीव्स इसकी कटिंग से ग्रो की हैं। अभी ये अभी इनकी जड़ें शायद निकली नहीं होंगी, क्योंकि अभी इन्हें 3 से 4 ही दिन हुए हैं, इसलिए अभी इन्हें निकाल तो नहीं सकते, लेकिन कोई नहीं, ये अपडेट में आपको इनकी दिखा दूँगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है मैंने आपको इनके बारे में सारी जानकारी दे दी है, इस सोइल के बारे में भी, सोइल के बारे में भी, और पानी के बारे में भी, और फ्लावर के बारे में भी, और फर्टिलाइज़र के बारे में भी। आप इसमें महीने में एक बार हल्का सा अगर काउडंग भी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, तो उससे भी ये अच्छे से ग्रो करते रहेंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसमें काउडंग डाल दीजिए, उससे भी ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। और दोस्तों, ये मैंने इसी में ही अपना एक और प्लांट की कटिंग लगाई हुई है, ये कटिंग भी मेरी अच्छे से ग्रो कर रही है, ये इसमें नई नई रूट्स निकल आई हैं, इसी के पास मैंने ये लगा दी थी, तो ये भी अच्छे से ग्रो कर रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय। बोलो बाय 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 बाय।